हेलो गाइस, आज मैं एक कंपैरिजन वीडियो लेके आई हूँ एलेटिन की कलर पॉप मैट लिपस्टिक और बायोटिक की मैजिक कलर लिपस्टिक के बीच में। बायोटिक की जो लिपस्टिक है वो 100% ऑर्गेनिक है, सिलिकॉन फ्री है, क्रुएलिटी फ्री है, जबकि एलेटिन की लिपस्टिक जो है ऑर्गेनिक नहीं है। पैकेजिंग की बात करूं तो एलेटिन की जो कलर पॉप मैट लिपस्टिक है ये इस तरह की ब्लैक कलर की प्लास्टिक की पैकेजिंग में आती है, और बायोटिक की जो लिपस्टिक है इस तरह की पिंक कलर की प्लास्टिक की पैकेजिंग में आती है, और जो ये ट्यूब है ये इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है। पैकेजिंग दोनों की अच्छी है, दोनों के कैप्स जो हैं टाइटली क्लिक साउंड के साथ बंद हो जाते हैं, पर अगर मुझे बोलना पड़े तो मैं बोलूँगी कि थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है बायोटिक की पैकेजिंग एलेटिन के कंपैरिजन में। एलेटिन की जो लिपस्टिक है ये आपको 100 रुपीज़ में मिलेगी और 4.3 ग्राम्स प्रोडक्ट मिलेगा। बायोटिक की जो लिपस्टिक है आपको 125 रुपीज़ में मिलेगी और इसमें जो है 4.2 ग्राम्स प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब कि आपको ज़्यादा प्राइस में कम क्वांटिटी मिल रही है। एलेटिन की जो सेल्फ लाइफ है वो 2 ईयर्स है और बायोटिक की सेल्फ लाइफ जो है 3 ईयर्स है, मतलब कि बायोटिक की जो सेल्फ लाइफ है ये एलेटिन के कंपैरिजन में ज़्यादा है। और ये स्टेइंग पावर की बात करूँ तो बायोटिक का एलेटिन का स्टेइंग पावर जो है 4 to 5 आवर्स तक है, और बायोटिक का जो स्टेइंग पावर है मैंने लिप्स पे टेस्ट किया था ये 7 आवर्स तक मेरे लिप्स पे इंटेक थी, और 7 आवर्स के बाद भी ये जिस कंडीशन में थी मेरे लिप्स पे उसे देख के लगता है कि ये 8 to 9 आवर्स भी आपके लिप्स पे स्टे कर सकती है। तो गाइस मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये मतलब मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने देर तक लिप्स पे कैसे टिकेगी, तो एक बार इसका मैं और टेस्ट करूँगी और जो रिज़ल्ट आएगा वो कमेंट बॉक्स में लिख दूँगी। तो एलेटिन के कंपैरिजन में जो है बायोटिक की लिपस्टिक का स्टेइंग पावर 1 to 2 आवर्स जो है ज़्यादा है। फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो एलेटिन में से जो है एक वेनिला की जैसे फ्रेग्रेंस आती है जो कि ज़्यादा बॉदरिंग नहीं है, और ये लिप्स पे अप्लाई करने के बाद चली भी जाती है जल्दी। बट बायोटिक की बात करूँ तो इसमें से स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आती है, स्ट्रॉन्ग जैसे ऑयल की फ्रेग्रेंस हो, और जो कि लिप्स पे लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद काफ़ी देर तक आपके लिप्स पे रहेगी। तो जिन लोगों को फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम है वो इस बात का ध्यान ज़रूर दें। बायोटिक में जो है 15 शेड्स अवेलेबल हैं, एलेटिन में 24 शेड्स अवेलेबल हैं, और बायोटिक में जो है 15 शेड्स अवेलेबल हैं। एलेटिन और बायोटिक दोनों जो है क्रीमी मैट लिपस्टिक हैं, दोनों का फिनिश जो है सैटिन फिनिश है, दोनों का पिगमेंटेशन अमेजिंग है, दोनों जो है लिप्स पे एकदम से स्मूथली ग्लाइड होती हैं, दोनों लिप्स पे जो है ड्राइंग नहीं है, और दोनों ही जो है ट्रांसफ़र होती हैं और दोनों ही स्मज होती हैं। तो दोनों लिपस्टिक अपनी अपनी जगह अच्छी हैं। अगर मुझे परचेस करना हुआ तो मैं जो है अगर मुझे एलेटिन का शेड ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं एलेटिन का परचेस करूँगी, और अगर मुझे बायोटिक के लिप शेड्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो मैं बायोटिक का परचेस करूँगी। ये सिर्फ डिपेंड करेगा कि मुझे किसका जो है लिप शेड अच्छा लग रहा है, किसका लिप कलर जो है अच्छा लग रहा है। पर आप जो है परचेस करते समय जो है 3 बातों का ध्यान दें कि बायोटिक में से जो है स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आती है जो लिप्स पे अप्लाई करने के बाद भी काफ़ी देर तक रहती है, तो अगर आप जो है फ्रेग्रेंस नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप बायोटिक की लिपस्टिक ना परचेस करें। दूसरी बात, बायोटिक की जो लिपस्टिक है ये क्रुएलिटी फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, ऑर्गेनिक है 100%, तो आप इस बात का ध्यान दें। और तीसरी बात, बायोटिक की लिपस्टिक का स्टेइंग पावर जो है 1 to 2 आवर्स जो है एलेटिन के कंपैरिजन में मुझे लगता है ज़्यादा है, तो आप इन 3 बातों का ध्यान रख के जो है लिपस्टिक को परचेस करें। कुल मिला के दोनों लिपस्टिक्स अच्छी हैं, बट बायोटिक की लिपस्टिक में सब कुछ अच्छा है, बट इसका एक प्रॉब्लम है कि ये
इसमें से एक स्ट्रॉन्ग जो है फ्रेग्रेंस आती है। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सजेशन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।